नमस्कार, मैं अश्वनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सामुदायिक सहभागिता से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है विद्यालय में आपका स्वागत है। हमारे नवाचारी शिक्षकों का इस गतिविधि को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करने का उद्देश्य था कि अक्सर देखा गया है कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ही अपने माता पिता से शिकायत करते हैं कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, और ये अमूमन बात है, ये शिकायत अभिभावकों की भी रहती थी। इसका समाधान हमारे नवाचारी शिक्षकों ने अपने विद्यालय में आपका स्वागत है नामक नवाचार को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करके निकाला। इस गतिविधि में शिक्षक सबसे पहले पीटीएम मीटिंग के दौरान सभी अभिभावकों की एक सूची बनाते हैं और अभिभावकों को दिवसवार विद्यालय में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब अभिभावक विद्यालय में आते हैं तो शिक्षक उनको एक उचित स्थान पर बिठाते हैं, और जब शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे होते हैं तो अभिभावक इसका अवलोकन करते हैं। अभिभावकों को देख करके ये खुशी होती है कि उनका बच्चा कुछ पढ़ रहा है, कुछ सीख रहा है। सीखते और पढ़ते देख करके अभिभावकों को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। इस गतिविधि को शिक्षक प्रतिदिन अपने विद्यालय में निरंतर रूप से कराते हैं, और अभिभावक जब संतुष्ट हो जाते हैं तो वो अपनी इच्छा अनुसार विद्यालय से चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले विद्यालय में शिक्षकों द्वारा एक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें वो अपना फीडबैक लिख करके जाते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से समुदाय का विद्यालय से और विद्यालय का समुदाय से जुड़ाव होता है। साथ ही साथ में विद्यालय में जो भी जरूरतें होती हैं और लगता है कि ये समुदाय के साथ हमें साझा करनी चाहिए, जिससे कि विद्यालय की दशा और दिशा सुधारी जा सके, इस नवाचार के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से विद्यालय को सुचारू रूप से चलाया जाता है। यह किसी भी कक्षा, किसी भी विद्यालय के लिए बहुत ही उपयुक्त गतिविधि है, और इस गतिविधि को कराने के लिए एक रजिस्टर की आवश्यकता होती है, और इसमें पीटीएम वाले दिन सभी शिक्षकों को द्वारा अभिभावकों को सूचना करने की जरूरत होती है। इस गतिविधि को शिक्षक अपने विद्यालय में अपनी कक्षा में कराने से पहले इसकी जानकारी अपने प्रधानाचार्य से साझा करते हैं। हम आशा करते हैं ये गतिविधि और ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम अब तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया आप हमारा ZIIEI YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया आप Facebook पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।